दोस्तों आपका स्वागत है YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस थ्योरीज। सबसे पहली है रेनकाइन थ्योरी। इसमें एक बात याद रखना, एक्स एक्सिस पर हम सिग्मा वन को ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस पर हम सिग्मा टू को ड्रा करेंगे यानी कि लोकेट करेंगे। इसमें क्या होता है, हमें पता है मैक्सिमम सॉरी रेनकाइन थ्योरी का ये फॉर्मूला होता है। इसमें जो परमिसिबल वैल्यू होती है, जैसे परमिसिबल वैल्यू कितनी है सिग्मा के, इसे हम देखें सिग्मा वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। सिग्मा वन की वैल्यू लेस देन इस परमिसिबल वैल्यू से होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस स्ट्रेस की, सिग्मा कैप। तो हम इस लिमिट को यहाँ पर ड्रा कर देंगे। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई हम पॉइंट लोकेट करेंगे। वाई डायरेक्शन में भी देख लें, सिग्मा टू शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा कैप, इसलिए वाई डायरेक्शन में भी हम इसे लोकेट कर देंगे। एक बार फिर से बता दूं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सिग्मा वन सिग्मा टू शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा कैप। तो हमने यहाँ से बोला कि सिग्मा वन इज लेस देन मस्ट बी लेस देन सिग्मा कैप, सिग्मा टू मस्ट बी लेस देन सिग्मा कैप। सिग्मा वन को हमने एक्स बोला, सिग्मा टू को वाई बोला। एक्स में सिग्मा वन शुड बी लेस देन सिग्मा कैप, जहाँ तक सिग्मा कैप हमने पॉइंट लोकेट कर दिया, यहाँ पर लोकेट कर दिया। सिग्मा टू शुड बी लेस देन सिग्मा कैप। तो हमने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स का क्या मतलब है, जे बॉक्स के अंदर हम अगर रहेंगे तो मटेरियल या फिर कोई भी कंपोनेंट है वो सेफ रहेगा। कि बॉक्स की जो बाउंड्री है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्रिटिकल रीजन, यानी कि इस रीजन से अगर बाहर होंगे तो कॉम्पोनेंट फेल होगा। इस रीजन के हम इस बाउंड्री के अंदर होंगे तो मटेरियल सेफ होगा। जैसे एक एग्जांपल है, जहाँ पर एक हमारे पास कंपोनेंट है उसमें हमने स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड कर ली 140 पॉजिटिव एंड 80 नेगेटिव। तो हमने क्या किया, हमारे पास ग्राफ अवेलेबल था इस मटेरियल के रिलेटेड, हम गए ग्राफ के ऊपर, 140 एक्सट्रैक्शन में है, 80 कितने नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड जाएगी, यानी कि इस बॉक्स के अंदर ये पॉइंट आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि ये मटेरियल सेफ है। यहाँ से आप ये समझे व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, फास्टली कंपेयर कर सकते हैं, हम फास्टली बता सकते हैं कंपोनेंट फेल होगा या फिर कंपोनेंट फेल नहीं होगा। एक बात याद रखना, इनकी बाउंड्री है वो क्रिटिकल रीजन बता रही है, उसके अंदर हम रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसके बाहर रहेंगे तो मटीरियल फेल हो जाएगा। इसी तरह से ट्रेस्का है, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेस्का थ्योरी है, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड थर्ड क्वाड्रेंट है वो सिमिलर है, जैसे हमने वहाँ पर ड्रा किया रेनकाइन में, मगर इसमें सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ा बाउंड्री नज़दीक आ चुकी है। क्यों आ चुकी है ये आपको समझना ज़रूरी है, क्यों आ चुकी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, सिग्मा वन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सिग्मा टू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिग्मा वन की वैल्यू नेगेटिव होगी, सिग्मा टू की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह की स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनेगी, ये हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इस स्टेट में मटेरियल की फेल होने के चांस कम रहेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का। वैसे भी हम सोचें जब इक्वली फोर्स लगती है सभी डायरेक्शन में तो मटेरियल के फेल होने के चांस कम हो जाते हैं, मगर आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, कोई बॉडी है उसके ऊपर एक एक स्ट्रेस होगी पॉजिटिव, दूसरी स्ट्रेस होगी नेगेटिव। जैसे मान लीजिए सिग्मा वन यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगी और सिग्मा टू की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी एक वैल्यू नेगेटिव रहेगी। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में, कहने का मतलब क्या है, दो स्ट्रेसेस हैं उनकी नेचर ऑपोजिट रहेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स लग रही है एक कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। अभी क्या होगा, ये टेंसाइल फोर्स मटेरियल को इस डायरेक्शन को खड़ रही है, मगर ये कंप्रेसिव फोर्स भी बोल रही है तुम भी इस मटेरियल को इस डायरेक्शन में जाने दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल इस डायरेक्शन को जा रहा है ना, तो दूसरी फोर्स बोल रही है कि मैं मटेरियल को इस डायरेक्शन को खड़ने नहीं दूंगी। इसलिए इस रीजन में और इस रीजन में
जो हम बोल सकते हैं क्रिटिकल जो बाउंड्री है वो बड़ी है, यानी कि इस रीजन में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स बोल रही है कि मैं मटेरियल इस डायरेक्शन को ले जाऊँगी, तो दूसरी फोर्स बोल रही है हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जिसकी वजह से एक शेयरिंग एक्शन डेवलप होगा। जहाँ से ऐसे विजुलाइज करो, मटीरियल फेल फास्ट होगा। दोनों डायग्राम आप स्टडी करना, सोचो विजुलाइज करो कि मटेरियल किस में ज़्यादा फेल होने के चांस है, फास्टली किस में ज़्यादा फेल होने के चांस है इसमें, क्योंकि दोनों फोर्सेस आप में मिलकर काम कर रही हैं, इसमें फोर्सेस मिलकर काम नहीं कर रही, ये बात याद रखना। इसलिए इस रीजन में बाउंड्री बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि फेल होने के चांस कम है, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे का साथ नहीं दे रही। फेल ज़रूर होगा मगर यहाँ पर परमिसिबल लिमिट ज़्यादा है। ये बाउंड्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है? परमिसिबल लिमिट। उसके बाद इस रीजन में क्या है, इस रीजन में क्या है, परमिसिबल सॉरी, दोनों फोर्सेस एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो मटेरियल फास्ट फेल होगा, मटेरियल फास्ट फेल होगा। इसलिए इस रीजन में जो रीजन है कम है, यानी कि इस रीजन से बाहर जाएंगे तो मटेरियल फेल हो जाएगा। अगर हम इस रीजन में रहेंगे तो मटेरियल सेफ रहेगा। ट्रेस्का में यही आपको समझ आना चाहिए। अगर आप इसे समझ गए तो आप आगे वाली थ्योरी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। समझा गया होगा। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, तो मटेरियल की हम बोल सकते हैं कि यील्ड वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि जे इस बॉक्स में रहेंगे तो मटेरियल फेल होने के चांस कम है। मगर यहाँ पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो मटेरियल के फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए इसकी बाउंड्री कम होगी, यानी कि इससे बाहर जाएंगे तो मटीरियल फेल हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया कंबाइन, ये ट्रेस्का को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रैनकाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट वेनेट्स मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। इसमें क्या है, इसमें ये जो मैंने हैचिंग की है, थोड़ी सी कर्व पोर्शन ड्रा की है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला एरिया। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उस बाउंड्री को, जिस बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो मटेरियल सेफ रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड है, रैनकाइन हम एक स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं, उसे हम हरेक पिक्चर में ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमें आइडिया चल जाता है रैनकाइन क्या बोल रहा है, एक कंपैरिजन पता चल जाता है रैनकाइन साहब क्या बोल रहे हैं और ये जो सेंट वेनेंट्स हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ये क्या बोल रही है। यहाँ पर देखें, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है। देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, ज़्यादा हमारी लिमिट है, ज़्यादा मटेरियल की लिमिट है, ज़्यादा लिमिट है, यानी कि अगर मटेरियल इस पॉइंट पर भी होगा तो मटेरियल सेम माना जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो मटेरियल के फेल होने के चांस कम होते हैं। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं तो मटेरियल के फेल होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए सभी थ्योरीज में आपको सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कम एरिया दिखने को मिलेगा, यानी कि इस रीजन से बाहर होंगे तो मटेरियल फेल। इसी तरह से फोर्थ थ्योरी है हेग थ्योरी, हेग साहब ने ये थ्योरी डेवलप की मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसमें भी क्या है, इसमें भी उसी तरह से बाउंड्री बन रही है मगर इसमें एलिप्टिकल बन रही है। जी हमने फिर से स्टैंडर्ड केस ड्रा किया है रैनकाइन साहब का। इसमें भी आप वो वाला कंसेप्ट सोचो जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो कि ज़्यादा एरिया मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया इस वीडियो में, आप भी बोर हो रहे होंगे। सभी थ्योरी में यही कंसेप्ट है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ज़्यादा एरिया मिल रहा है, क्यों? सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कम एरिया मिल रहा है, क्योंकि ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं तो मटीरियल फास्ट ही फेल होगा, क्योंकि फोर्सेस मिलकर एक मटीरियल को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह से हमारे पास आती है वॉन माइसिस क्राइटेरिया, जहाँ पर भी हमने एक स्टैंडर्ड केस ड्रा किया है मिस्टर रैनकाइन साहब का, वहाँ से हमें कंपैरिजन पता चल जाता है। इसमें भी देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ज़्यादा एरिया मिल रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, दोनों वैल्यू सिग्मा वन सिग्मा टू की नेचर सेम है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों की नेचर ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर भी एरिया कम। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर मैंने एक कंबाइंड
सभी थ्योरी को मिलाकर एक कंबाइंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ड्रा की है। ये है रेनकाइन साहब, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये जो है ट्रेस्का साहब, ये है ट्रेस्का साहब। उसके बाद थर्ड हमने कौन से डेवलप की थी थ्योरी, सेंट वेनेंट साहब, ये सेंट वेनेंट साहब है। उसके बाद थी हेक्स थ्योरी, ये हेक्स थ्योरी है। उसके बाद है बोन माइसी थ्योरी। आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, रेनकाइन साहब को छोड़कर सभी जो मटेरियल है, सभी जो थ्योरी हैं, वो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कम एरिया प्रोवाइड कर रही हैं। यानी कि बाकी सभी थ्योरी शेयर के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं। जब मटेरियल के ऊपर ओपोजिट फोर्स लगेगी तो मटेरियल शेयर की वजह से फेल हो जाएगा, इसलिए बाकी सभी थ्योरी शेयर के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं। शेयर किस में होती है, डक्टाइल मटीरियल में। डक्टाइल मटीरियल ड्यू टू शेयरिंग एक्शन फेल होता है, ब्रिटल मटीरियल ड्यू टू क्रैक प्रोपोगेशन फेल होता है। इसलिए रेनकाइन साहब की थ्योरी को हम डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ करना अच्छी बात नहीं मानते, क्योंकि डक्टाइल रेनकाइन साहब ने डक्टाइल मटेरियल में शेयरिंग एक्शन के बारे में सोचा नहीं है। जैसे ट्रेस्का साहब बोल रहे हैं कि अगर हम इस रीजन में रहेंगे तो सेफ होंगे, मगर रेनकाइन साहब बोल रहे हैं अगर हम इस रीजन में भी होंगे तो भी हम सेफ हैं। जहाँ से समझो ट्रेस्का की ये बाउंड्री है, इसके अंदर रहेंगे तो सेफ होंगे, मगर रेनकाइन साहब बोल रहे हैं तो हम इसमें इस यहाँ पर भी होंगे तो सेफ होंगे। इसलिए रेनकाइन साहब ने शेयरिंग एक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। इसलिए जो रेनकाइन थ्योरी है डक्टाइल मटीरियल के लिए यूज़ नहीं की जाती, उसे हम ब्रिटल मटीरियल के लिए यूज़ करते हैं। ये जो बाकी सभी थ्योरी हैं, देखो शेयर के बारे में सोच रही हैं, शेयर के बारे में सोच रही हैं, तो इसलिए ये बाकी सभी थ्योरी डक्टाइल मटीरियल के लिए बहुत अच्छी हैं। अभी हम बात करते हैं इन सब में से कौन सी अच्छी है। ये डक्टाइल मटीरियल ब्रिटल मटीरियल के लिए तो हमें पता है रेनकाइन एक ही थ्योरी है, एक ही अच्छी होगी, यही यूज़ करनी पड़ेगी, मगर इन फोर में से सबसे अच्छी कौन है, अच्छी कौन है। जहाँ से देखें ट्रेस्का क्या बता रहा है, ट्रेस्का की बाउंड्री बता रही है हम इस रीजन से अंदर रहेंगे तो मटीरियल सेफ होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का अगर हमने सभी थ्योरी को सेटिस्फाई करना है तो ट्रेस्का एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। अगर हम इस रीजन में रहेंगे तो ट्रेस्का भी सेफ, ट्रेस्का के अकॉर्डिंग भी सेफ होगा, वोन माइसिस के अकॉर्डिंग भी सेफ होगा, सेंट वेनेट्स और हेक थ्योरी के अकॉर्डिंग भी सेफ होगा। यानी कि हम ट्रेस्का को एक अच्छी थ्योरी मान रहे हैं अगर हमने एक सेफ मटीरियल डिज़ाइन करना है। ये जो वोन माइसिस थ्योरी है ये भी एक अच्छा रिजल्ट देती है। प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट हुआ था वो वोन माइसिस थ्योरी के ज़्यादा मैच कर रहा था, थ्योरी से ज़्यादा मैच कर रहा था एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। मगर हम बोल रहे हैं कि ट्रेस्का उसके अंदर है, ट्रेस्का थ्योरी जो ट्रेस्का बाउंड्री है उसके अंदर है, इसलिए हम और ज़्यादा सेफ रहेंगे, ट्रेस्का के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।